अगर गुरु आपने वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही लिया है तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में मैं आपको परफॉर्मेंस कंपेयर करके नहीं दिखाने वाला। मैं आज बात करूंगा कि क्यों एनवीडिया की 60 सीरीज एंड 70 सीरीज के कार्ड्स इतने स्पेशल है और क्यों आपको 80 सीरीज या फिर 90 सीरीज के कार्ड्स कंसीडर नहीं करनी चाहिए। अगर बजट आपका टाइट है तो 60 सीरीज या फिर 70 सीरीज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होता है और ये मिड रेंज कार्ड्स की कैटेगरी में आता है और इनका प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी सबसे अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 80 सीरीज या फिर 90 सीरीज के कार्ड्स बेकार हैं, ये हाई एंड कार्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली ये हर किसी के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स वो टॉप टियर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है, 4K 120 FPS में गेमिंग करवा सकता है एंड एटलीस्ट 10 से 15 साल की फ्यूचर प्रूफिंग उससे हो ही जाती है। पर अगर आप सिर्फ 1080p या फिर 1440p में गेमिंग करते हो या फिर आप स्ट्रीमिंग भी करते हो 1080p या फिर 1440p में, तो इतना महंगा कार्ड खरीदना मेरे हिसाब से बेकार है। हर कोई तो लाखों में पीसी बिल्ड करता नहीं है। अगर एक अच्छा गेमिंग पीसी चाहिए तो 70K से 80K के अंदर एक अच्छा पीसी बिल्ड हो जाती है, तो इस केस में मिड रेंज कार्ड्स ऑब्वियसली अच्छा ऑप्शन है। आप ये ऑलवेज ध्यान रखना, आपका बजट चाहे जितना भी हो, अगर आप गेमिंग पीसी चाहते हो, उसमें अच्छा खासा गेमिंग आप करने वाले हो, तो आपको उस बजट की एटलीस्ट 30-40% GPU के लिए यानी कि ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए रखना पड़ेगा। और ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आपने बहुत सारा पैसा लगा के एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ले लिया और जो CPU है वो आपने कचरा ले लिया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जो GPU है वो बॉटलनेक होगा। अगर आप ऑन पेपर एक हाई एंड कार्ड को एक मिड रेंज कार्ड के साथ कंपेयर करते हो तो कुछ चीज़ें आप नोटिस करोगे। पहले तो प्रोसेसिंग कोर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। एनवीडिया के केस में होगा कूडा कोर्स और AMD के केस में होगा कंप्यूट यूनिट्स या फिर CU। अभी इनके बीच में डिफरेंसेस जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना समझ लो कि कूडा कोर्स या फिर CU ग्राफिक्स कार्ड की पैरेलल प्रोसेसिंग पावर को दर्शाता है। RTX 3060 में आपको 3600 CUDA कोर्स देखने को मिलेगा, वैसे ही RTX 3090 में आपको 10500 CUDA कोर्स देखने को मिलेगा। सिमिलरली AMD के केस में अगर आप 6600 को देखोगे तो आपको उसमें 28 कंप्यूट यूनिट्स देखने को मिलेगा, वैसे ही अगर 6900 XT में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 80 कंप्यूट यूनिट्स देखने को मिलेगा। हाई एंड कार्ड्स में आपको VRAM भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके पीछे ऑब्वियसली रीज़न है कि जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें जो GPU है वो ज़्यादा कैपेबल है, वो एक साथ ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, तो ज़्यादा VRAM को भी यूटिलाइज कर पाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 3080, 3090 या फिर 4090 में 12GB से लेकर 24GB के अंदर आपको VRAM देखने को मिलेगा और मिड रेंज कार्ड्स में 6GB से लेकर 12GB के अंदर आपको VRAM देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी जो VRAM की बैंडविड्थ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मेमोरी बैंडविड्थ भी बोलते हैं। टॉप टियर कार्ड्स में 384 bit की बस होती है, वैसे ही अगर मिड रेंज में आप देखोगे तो 128 bit की या फिर 192 bit की बस आपको देखने को मिलेगा। अब इससे मेमोरी बैंडविड्थ कैसे इफेक्ट होती है वो आप इस चार्ट में देखो। इस पर मैं आपको दो अलग अलग वीडियोस को रिकमेंड करूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हो, आई बटन पे भी मैंने लिंक्स दे दिए हैं। एनीवे अब तक तो मैंने टॉपिक से थोड़ा सा भटक के बात किया, अब टॉपिक में वापस आते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूं एक मिड रेंज कार्ड और एक टॉप टियर कार्ड की, तो इसमें आपको एक और चीज़ जो देखने को मिलेगा वो है फ्रीक्वेंसी। VRAMs की फ्रीक्वेंसी और GPU की फ्रीक्वेंसी वो टॉप टियर कार्ड्स में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी से भी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस। जो हाई एंड कार्ड्स हैं उनका तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, पर जो मिड रेंज कार्ड्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। और जो भी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलता है हाई एंड कार्ड्स में, ज़्यादातर मिड रेंज कार्ड्स में भी वो सारे के सारे टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे कि आप रे ट्रेसिंग देख लो, DLSS देख लो, XeSS देख लो या फिर FSR देख लो, ये सब कुछ मिड रेंज कार्ड्स में भी आपको मिल जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, RTX 2080 Super, ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और 2019 में इसका प्राइस कितना था? अराउंड 65,000। इसके बाद इसके दो साल बाद जब 2021 में RTX 3060 Ti लॉन्च हुआ तो RTX 3060 Ti का प्राइस था लगभग 35,000 के आसपास। तो 35,000 और वहां पे प्राइस कितना था? 65,000। तो अब देखो कि RTX 3060 Ti और 2080 Super अगर आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है। 3060 Ti कुछ केसेस में 2080 Super को बीट कर देगा, तो प्राइस इसका कम है
एंड परफॉर्मेंस लगभग सेम है। तो बेसिकली पिछले जनरेशन की फ्लैगशिप कार्ड्स को अगले जनरेशन की जो मिड रेंज कार्ड्स है वो परफॉर्मेंस में कुछ केसेस में बीट कर देता है, और इससे हमें कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है कि हमने इतना पैसा लगा के एक फ्लैगशिप कार्ड क्यों लिया था। इसके अलावा एक मिड रेंज कार्ड की कॉस्ट ऑफ ओनिंग एक हाई एंड कार्ड की कॉस्ट ऑफ ओनिंग से कम होता है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कॉस्ट ऑफ ओनिंग है क्या? कॉस्ट ऑफ ओनिंग का मतलब है बाइंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जैसे कि आप इस कार्ड को सेकेंड हैंड बेचने जा रहे हो तो आपको सेलिंग प्राइस तो डेफिनेटली बाइंग प्राइस से कम ही होगा। अब अगर एक मिड रेंज कार्ड है, फॉर एग्जांपल उसका प्राइस था 35,000, उसके बाद जब आप उस कार्ड को बेचने जाओगे यहाँ पे आपको 10,000 से 12,000 के अंदर प्राइस तो मिल ही जाएगा। कुछ केसेस में अगर 8,000 भी मिलता है तो आपका इस केस में कॉस्ट ऑफ ओनिंग हो जाती है 27,000 का। पर अगर आपने 65,000 रुपये लगा के एक हाई एंड कार्ड लिया है तो उस केस में आप उसको जब उसको सेकेंड हैंड बेचने जाओगे तब आपको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा? हार्डली 15,000 रुपये, या फिर अगर कोई ज़्यादा पैसा आपको पे कर भी देता है तो आपको लगभग 20,000 मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ ओनिंग कितना हुआ? 45,000 रुपीज़। तो आप समझ सकते हो एक हाई एंड कार्ड लेने से यहाँ पे भी नुकसान है। और ये बात तो है ही, एक महंगा ग्राफिक्स कार्ड के साथ आपको खरीदा नहीं मिलेगा। आप में से कुछ लोग कहोगे कि जो टॉप टीयर कार्ड्स है वो तो फ्यूचर प्रूफ भी होती हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ फ्यूचर प्रूफ होता है, पर फ्यूचर प्रूफ करने के चक्कर में आपका नुकसान क्या हो रहा है? एक ग्राफिक्स कार्ड जब आप खरीद के लाते हो तब उसमें आपको कितने साल की वारंटी मिलती है? 5 साल, हार्डली इतना ही मिलेगा। इसके बाद अगर वो कार्ड खराब हो जाए, अगर चल रहा है तो अच्छी बात है, अगर वो कार्ड खराब हो जाए तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। और साथ ही अगर अभी आपको उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है जो एक टॉप टीयर कार्ड ऑफर कर रहा है, तो उसको लेने का मतलब ही क्या है? सिर्फ एक कार्ड को 20 साल चलाने के लिए आप इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट मुझे नहीं लगता आप करना चाहोगे। ये एक बेवकूफ़ी है। तो फ्यूचर प्रूफिंग के ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको मैं आई बटन पे दे रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर प्रूफ को लेकर आपको समझना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। साथ ही जो मिड रेंज कार्ड्स हैं वो आने वाले 3-4 साल में जितने भी AAA गेम्स आएंगे उनको 1080p एंड 1440p में हाई या फिर अल्ट्रा सेटिंग्स में ईजिली चला देगा विथ गुड फ्रेम रेट्स। तो इस पर भी तो फायदा है, इसके बाद कार्ड को बदल लो अगर आपको ज़रूरत है तो। और मुझे नहीं लगता आज की डेट में ज़्यादा कोई 4K गेमिंग करता है। 4K गेमिंग के लिए सबसे पहले तो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ज़्यादा पावरफुल चाहिए, साथ ही अगर आप अच्छे फ्रेम रेट्स के साथ खरीदना चाहते हो तो उसमें भी तो ग्राफिक्स कार्ड की पावर चाहिए ही चाहिए, एक अच्छा CPU भी चाहिए, साथ ही साथ एक अच्छा पावर सप्लाई भी आपको चाहिए होगा। तो इन सब को मिला के जो PC का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हर कोई तो 5 लाख का PC बिल्ड कर नहीं सकता, और ज़रूरत भी नहीं है। एक और बात, जैसा कि आप सब जानते ही हो, हर जनरेशन के साथ ग्राफिक्स कार्ड्स की या फिर CPUs की पावर कंजम्पशन कम होती जाती हैं। तो एक एग्जांपल के लिए अगर हम 2080 सुपर को ही ले लें तो 2080 सुपर की जो TDP रेटिंग है वो कितना है? 250 वाट। और 3060 Ti की TDP कितना है? 200 वाट। तो ऑफ कोर्स पावर कंजम्पशन हर जनरेशन के साथ कम होती है और परफॉर्मेंस उसका बढ़ता जाता है। मैंने तो जस्ट एग्जांपल के लिए 2080 सुपर बोला था। अगर 3090 या फिर 3080 को आप देखोगे तो उस केस में पावर कंजम्पशन हो जाती है, यानी कि TDP हो जाती है 350 वाट। आप समझ सकते हो, आप अगर इतना ज़्यादा हाई TDP वाले एक ग्राफिक्स कार्ड को अपने सिस्टम में लगाते हो तो जो पावर सप्लाई है उसको भी आपको उतना ही ज़्यादा हाई वाटेज का देना पड़ेगा। और पावर सप्लाईज की वाटेज जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं उनका प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, तो ये भी एक इशू होगा, अल्टीमेटली PC आपका एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। साथ ही जैसे टॉप टीयर कार्ड्स अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है तो वो ज़्यादा गर्म भी होता है, तो अगर वो ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आपको उसमें रेगुलर बेसिस पे सफाई करनी पड़ेगी, उसमें जो थर्मल पेस्ट है, जो थर्मल पैड्स है, उनको भी आपको रेगुलर बेसिस पे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से उनको मेंटेन नहीं करोगे तो कार्ड आपका गर्म होगा, उसका लाइफ कम होगा और परफॉर्मेंस भी उसका घटता जाएगा। और टॉप नॉच कार्ड्स जैसे गर्म होते हैं तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम में जो आपका PC है उसमें मल्टीपल केस फैंस लगाने पड़ेंगे, साथ ही साथ उसमें आपको लिक्विड कूलिंग का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा एक बड़ा PC केस तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। हर एक PC केस में हर एक ग्राफिक्स कार्ड फिट नहीं हो सकता।
और जैसे पावर कंजम्पशन वगैरह की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो मिड टियर कार्ड्स हैं उनके लिए 600 वाट की PSU मोर देन इनफ है। और अगर किसी कार्ड की पावर कंजम्पशन कम होती है तो बिजली का बिल भी तो कम आएगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिजली का बिल मैं ही भरता हूँ। हाँ, जैसे पावर सप्लाईज की बात चल रही है तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लेने वाले हो तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि आपके जो PSU है, आपके सिस्टम में जो PSU लगा हुआ है, जो पावर सप्लाई यूनिट है, उसमें देख लीजिए कि PCI Express 8 पिन पावर कनेक्टर उसमें अवेलेबल है या फिर नहीं। आजकल के जो मिड रेंज कार्ड्स आ रहे हैं यानी कि 3060 हो गया, 3060 Ti हो गया, 3070 हो गया, इनमें भी 8 पिन पावर कनेक्टर ही होता है। तो अगर 8 पिन पावर उसमें नहीं होगा, 8 पिन पावर कनेक्टर उसमें नहीं होगा, तो दिक्कत यही होगा कि आपको एक अलग से SATA to PCIe पावर कनेक्टर लेना पड़ेगा। और ये जो कॉन्वर्जन केबल्स आते हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं ऑब्वियसली, पर इनका रिलायबिलिटी बहुत बेकार होता है, इसमें बहुत बार आग भी लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये भी आपको एक बार देख ही लेना पड़ेगा अगर आप कार्ड लेने वाले हो तो। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मिड रेंज कार्ड्स ही सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा है। अगर आपने अभी मान लो 3060 Ti ले लिया, उसको 4-5 साल यूज़ किया, इसके बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आप उस पैसे को लगा के, उसमें कुछ और पैसा लगा के आप एक और कार्ड खरीद सकते हो। और अभी के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 3060 और 3060 Ti के अलावा भी AMD RX 6600 XT भी एक अच्छा कार्ड है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है मिड रेंज कार्ड और टॉप टियर कार्ड्स में से कौन सा आपको कब परचेस करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तो जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।